तो बढ़ती अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग पर बना हुआ है 4 BHK फ्लैट। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सांसदों के लिए बहुमंजिला फ्लैट का उद्घाटन किया गया है। 188 करोड़ की लागत से इन फ्लैटों को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के लिए फ्लैट का उद्घाटन भी किया है। तो इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन किया गया है। तो दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग पर इन 4 BHK फ्लैट का निर्माण किया गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन किया गया। तो आपको बता दें, कुल लागत जो इन फ्लैटों की है वो 188 करोड़ की है, जिसके साथ ये तैयार किए गए हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के फ्लैट का उद्घाटन किया। इस वक्त की अहम जानकारी, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 188 करोड़ की लागत से बनाए गए इन फ्लैटों का उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन फ्लैटों का उद्घाटन किया गया था। जिस तरह से ये तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित बहुमंजिला फ्लैटों का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। तो सदन में की जो ऊर्जा बढ़ी है, इसके पीछे एक और कारण है। हम आपको बता दें कि 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी, तब देश एक नई दिशा की तरफ बढ़ना जा रहा था और अब ये बदलाव हो गया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जिस तरह से इन फ्लैटों का उद्घाटन किया गया, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कितने शानदार हैं और किस तरह से ये 4 BHK फ्लैट बने हुए हैं, जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। सांसदों के लिए पिछले साल नॉर्थ एवेन्यू के घर बनकर तैयार हुए थे और आज बीडी रोड पर भी ये 3 टावर आवंटन के लिए तैयार है। मेरी कामना है कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इन 3 टावरों का संगम, इसमें रहने वाले जनप्रतिनिधियों को हमेशा स्वस्थ रखे, कार्यरत रखे और संतोषी बनाए। क्यों? दिल्ली में सांसदों के लिए भवनों की दिक्कत बरसों से रही है और जैसे अभी बिरला जी बता रहे थे, लंबे अरसे तक सांसदों को होटल में रहना पड़ता है, इसके कारण आर्थिक बोझ भी बहुत आता है, उनको भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अब मजबूरन करना पड़ता था। लेकिन इस समस्या को दूर करने के लिए गंभीरता से प्रयास 2014 के बाद विशेष रूप से शुरू हुए। दशकों से चली आ रही समस्याएं टालने से नहीं, उनका समाधान खोजने से समाप्त होती है। सिर्फ सांसदों के निवास ही नहीं, बल्कि यहां दिल्ली में, हमारे देश में हजारों पुलिसकर्मियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना जीवन दिया है। हजारों पुलिस के जवान शहीद हुए हैं, उनकी याद में भी नेशनल पुलिस मेमोरियल का निर्माण भी इसी सरकार के द्वारा हुआ। आज सांसदों के लिए नए आवासों का लोकार्पण, ये लोकार्पण भी इसी श्रृंखला में एक जरूरी और अहम कदम है। मुझे खुशी है कि हमारे सांसदों का एक लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है।